सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ का अर्थ पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। पहला श्लोक है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्रभद्र तन्य आसु। अब इसमें आपको प्रसंग नहीं लिखना है, संदर्भ लिखकर अर्थ करना है या अनुवाद लिखना है। तो संदर्भ इस प्रकार है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अब उद्धृत है। अनुवाद से पहले कुछ शब्द अर्थ देख लीजिए। विश्वानी माने संपूर्ण और देव सवित माने हे सूर्य देव, दुरितानी माने पापों को, परासम माने दूर करो, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी, तत् माने वह या उसे, और न माने हमें, आसु माने प्रदान करो। अर्थ यानी अनुवाद इस प्रकार है, हे सूर्य देव, हमारे समस्त पापों यानी दुर्गुणों को दूर कीजिए और हमें वे कर्म प्रदान कीजिए जो कल्याणकारी हों। दूसरा श्लोक देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन वंजिता मां गृधा कस्य इस्विदं धनम्। ईशा माने ईश्वर से, वास्यम माने व्याप्त है, इदम माने है, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ भी, जगत्या माने संसार में, जगत यानी जड़ और चेतन रूप जगत, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजिता माने उपभोग करो, माँ माने नहीं या मत, और गृधा माने लोभ या लालच, कस्यविद मीन्स किसका, धनम माने धन। अनुवाद इस प्रकार है, ईशावास्यमिदम सर्वम यत किंच जगत्या जगत, इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन है उसमें ईश्वर का पास है। तेन त्यक तेन भंजिता, अतः इन सब का त्याग भाव से उपभोग करो। माँ गृधा कस्य विषम धनम, लोभ मत करो, यह धन किसका है, अर्थात ईश्वर प्रदत्त इस समस्त संपदाओं पर किसी का अधिकार नहीं है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनी नावधीतमस्तु मा विदुषावहे। यहाँ सह माने साथ साथ, नावतु माने हम दोनों की रक्षा करें, भुनक्तु माने पालन करें, वीर्यं माने शक्ति को, करवावहे माने हम दोनों प्राप्त करें, तेजस्वी माने तेजोमयी, नव माने हम दोनों की, अधीतम माने पढ़ी हुई विद्या, अस्तु माने हो, माँ मीन्स मत या नहीं, विदुषा वह माने द्वेष ना करें। अब अनुवाद देखें, सहनावतु हे भगवान, हम दोनों से मतलब गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक्तु साथ साथ पालन करें, सहवीर्यम करवा वह हम दोनों साथ साथ वल यानी शक्ति पुरुषार्थ प्राप्त करें, तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विदुषावहे, हम दोनों का अध्ययन यानी ज्ञान तेजयुक्त हो और हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। श्लोक नंबर 4 देखिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान वरान निबोधता, यानी उत्तिष्ठ माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करके, वरान माने श्रेष्ठ, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो। अनुवाद इस प्रकार है, उत्तिष्ठा यानी हे मानव से कहो उठो, अर्थात उद्यम यानी परिश्रम करो, जागृत जागो अर्थात सजग रहो, और प्राप्य और जो श्रेष्ठ ज्ञान है, प्राप्य वरान निबोधता और जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसे प्राप्त करो। श्लोक नंबर 5 देखिए, यतो यथा समीयसे ततो नो अभयम कुरु शन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। यहाँ यतो यथा माने जहाँ जहाँ से या जिस जिस से, समीय से माने चाहते हो, तथा माने वहाँ से, अभयम माने निर्भय या व्यक्त, कुरु माने करो, शन्नह माने दो बार में टूटेगा, शम धन न, शम माने कल्याण, न माने हमारा या हमें, प्रजाभ्य माने संतान का, पशुभ्य माने पशुओं से। अनुवाद इस प्रकार है,
यतो यथा समयसि, हे भगवान आप जहाँ जहाँ चाहते हो अर्थात आप जहाँ जहाँ उचित समझें, ततो नो वहम करो, वहाँ वहाँ हमें निर्भय अर्थात भय से मुक्त कर दें। शन्ना करो प्रजा वहम, और हमारी जो संतान का कल्याण करें। शन्नम करो प्रजाभ्यम, हमारी संतान का कार्य करें, कल्याण करें, और हमें ना पशुभ्यम, और हमें पशुओं से भयमुक्त कर दें।